नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट पे। तो आज हम सफारी ले रहे हैं हिनौता गेट से, चल रहे हैं जंगल सफारी करने। ये देखिए मेरी जिप्सी आ गई है और ये है हमारे गाइड। अब आप हम इनसे बात करते हैं और चलते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राहुल यादव है, पन्ना टाइगर रिजर्व हिनौता गेट में गाइड। हरे हरे महादेव। बाबा भोलेनाथ टाइगर रिजर्व सर, यहाँ से अपन पार्क में अंदर हो चुके हैं और अपना ये लेफ्ट हैंड साइड एलिफेंट कैंप है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बुजुर्ग हथनी रहती है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा उम्र की हथनी है। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सर, उसकी लगभग 10 साल आयु है वो, लेकिन अभी दूसरे कैंप में है, यहाँ तक नहीं है। इसका नाम बत्सला है। आग लगने के चांसेस रहते हैं तो मतलब पूरे पार्क में आग फैल ना पाए। अच्छा, इस कारण से डिवाइड किया जाता है, दोनों तरफ आग लगाई जाती है, डिस्टेंस हो जाता है जिसमें अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस पेंच में राइट में आग लग जाता है, यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो, वो आग आगे नहीं बढ़ेगी। यदि कंट्रोल भी नहीं होगी तो इतना ही पेंच जलेगा, पूरा जंगल नहीं जल सकता। और दूसरा बेनिफिट होता है, ग्रीन घास आ जाता है जिसमें स्पॉटेड डियर स्पॉट भी होते हैं, उनके लिए खाने के लिए सॉफ्ट ग्रास आ जाता है। हाँ। क्षेत्रफल है 576 वर्ग किलोमीटर का। अच्छा, जिसमें 20% टूरिस्ट जोन। अच्छा, और जो कि बफर कोट दोनों के मिला। अच्छा अच्छा, लेपर्ड भी होंगे? हाँ, लेपर्ड का काउंटिंग नहीं रहता है सर। अच्छा, केवल टाइगर। लेपर्ड की साइटिंग अभी अच्छी चल रही है जब सर। कल मॉर्निंग में 3 लेपर्ड देखा, इवनिंग में 2 लेपर्ड दिखे। अच्छा, जैसे ये लोग यहाँ टहल रहे हैं, ये सांभर जी, तो चांस ज़्यादा होता है जहाँ ज़्यादा रहते हैं कि ऐसा नहीं रहता है सर? जैसे इनको टाइगर या लेपर्ड दिखेगा तभी ये भागेंगे वहाँ से, और एक अलग डिफरेंट कॉल निकालेंगे जिससे अपन लोग समझ जाएं कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट है, तो इससे हम लोग टाइगर और लेपर्ड को ज़्यादा पकड़ते हैं। इसी समय स्पॉटिंग के ज़्यादा चांस रहते हैं। हाँ सर, हाँ तो नहीं दिखेगा क्योंकि ग्रास के अंदर ही बैठा होगा, अपन निकल जाएंगे नहीं स्पॉट उठा रहे होगा। लेकिन जहाँ भी होता था ध्रुव, वहाँ पे कॉल और जानवरों का वो चीज़ पता चल जाता है। टाइगर कुत्ता बिल्ली होगा एकदम लेकिन सर मैं बताऊँगा आपको। हाँ। कि हम लोग टाइगर देखेंगे। हाँ। फिर भी मन ये नहीं करेगा कि भाग जाए देखते देखते, यदि दिख रहा है तो देखने का मन करता है कि देखते रहें। दिखता है, इतनी बार देखा है, कई बार देखा है, लेकिन फिर भी अगर टाइगर दिखेगा तो देखने का जो उसको मन रहता है, मन नहीं भरता। दोस्तों ये देख रहे हैं, जंगल में घुसते ही सुबह सुबह कॉल मिलना शुरू हो गया। मिल रही है, अंदर की मिल रही है। सर, और सर
ये सर हर जगह कैंप बने होते हैं फॉरेस्ट में, ऊपर बना है देखिए पहाड़ के ऊपर में। क्या अकेले भी घूमते रहते हैं? बॉक्स है रोड पे। ये दोनों मेल हैं, बी हैं सर, देखने बाद फटती नहीं है। अभी एक घंटे हो गए, एक जगह कॉल मिली थी साबर डियर की और लंगूर की, स्पॉटेड डियर था और साबर डियर दोनों कॉल दे रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। था तो बहुत नज़दीक, लेकिन वो फिर जंगल में अंदर चला गया। तभी आपको हम एक व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं, ये नदी का व्यू पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर चढ़ करके यहाँ से नदी बढ़िया दिख रही है। चलिए फिर चलते हैं आगे, देखते हैं किस्मत में होगा तो बागजी मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने बागजी से कहा कि आइए भाई मुलाकात कर लिया जाए, लेकिन अभी तक तो आए नहीं, तो चलिए चलते हैं फिर। ये किस चीज़ को टंगी है? इधर मवेशी का है, बैल का है भाई। कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन ठंडी हवा इतना मज़ा दे रही है कि जंगल घूमने का आनंद आ गया। जंगल का अपना एक नियम होता है, वो उसी नियम के हिसाब से चलता है। हम लोग तो केवल इंटरफियर कर रहे हैं उसके नियमों में। अब ये सौभाग्य की बात होती है कि कौन जानवर दिखता कौन नहीं दिखता है, लेकिन पन्ना का जंगल काफ़ी अच्छा है। सागौन का, सागौन के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और तेंदू के, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा था तेंदू में फल भी आ गए हैं। तो ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही आनंददायक मौसम है। आप जैसे कुआ हुआ होता है अपन, उसमें भी ये कुछ ब्रांच रहेगा तो उसमें भी बना रहता है। ये मेल बनाता है इसको और आधा ही बनाएगा, फिर उसमें फीमेल आएगी, उसको यदि पसंद आया तो फिर वो दोनों मिलके पूरा करेंगे, नहीं तो वो वहीं पे छोड़ के फिर नेक्स्ट दूसरा बनाएगा मेल। इसमें मेल बनाता है इसका बर्ड का, वो आधा बनाएगा सर। अच्छा। इसमें भी दो स्टेप रहती है, जैसे अपन डबल मंजिल घर बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो नीचे वाले में वो बच्चों को रखते हैं और नीचे से सुरंग टाइप का बनाते हैं, वो लंबी पूंछ से उससे वो अंदर जाते हैं, ऊपर वाला खाली रखता है। ये सारे सांभर डियर है ना, इनमें मेल कौन होता है फीमेल कौन होता है? इसमें भी सर मेल को सेम रहता है। अच्छा। बाकी यहाँ पे सभी फीमेल्स हैं। ये सारी फीमेल्स हैं। हाँ। ये बड़े साइज के होते हैं, स्पॉटेड डियर से बड़े। एशिया में सबसे बड़ा डियर जो है, जो सामर डियर है, टाइगर इसका ही शिकार करता है सबसे ज्यादा। अच्छा। और इसमें फीमेल को कम शिकार करता है, मेल का ज्यादा करता है। अच्छा। इनकी साइज तो स्पॉटेड डियर से बड़ी है। हाँ। देखिए लंगूर देखो ना, ध्रुव बच्चा है, कितना छोटा है। यहाँ पे बंदर होते हैं सर, वहाँ पे डियर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो दूर से ही देख रहे थे पेड़ों में, इसलिए जहाँ पे बंदर रहेंगे वहाँ पे अधिकांश डियर मिलेंगे आपको। बंदर पहले कॉल दे देता है। हाँ। कॉल दे के कभी क्या करते होंगे बेचारे, भागते होंगे? हाँ, मतलब अलर्ट हो जाते हैं सभी, जैसे ही नजदीक इनकी तरफ में यदि मूवमेंट होगा तो ये भाग जाएंगे, यदि नहीं होता है तो ये खाते रहते हो कॉल, ये भी करने लगेंगे देख के उसको। हम यहाँ से अपन लोग बल्चर पॉइंट चलते हैं, थोड़ी दूर में है यहाँ पे, अपने यहाँ पे सर 7 प्रकार के बल्चर देखे जाते हैं। अच्छा। हाँ। सींग वाला जो है मेल सांभर डियर है, ये बल्चर पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे बल्चर दिखाई दे रहे हैं आपको। इस जंगल में कुल 7 प्रकार के बल्चर पाए जाते हैं, जाने हमारी भी अपनी भी। तो आप अगर देखना चाहें तो देखिए ऊपर बैठे हुए हैं ये सब जाने जाके।
मोबाइल में रिकॉर्ड है। जरा जूम करके दिखाइए। तो यहाँ पे क्या क्या है भैया? यहाँ पे सर ये बल्चर पॉइंट है और यहाँ पे अपने पन्ना में 7 प्रकार के बल्चर देखे जाते हैं। अच्छा, जो कि अच्छा। इंडिया में अपने 9 प्रकार के बल्चर है जिनमें 7 प्रकार के अपन पन्ना में देख सकते हैं। 7 प्रकार के पन्ना में मिल जाते हैं, पन्ना में देख सकते हैं अपन। और जिसमें 3 बल्चर जो है माइग्रेट बल्चर है, आती हैं यहाँ पे विंटर टाइम पे, आती है जैसे समर शुरू होता है वो निकल जाते हैं फिर वापस। और 4 बल्चर जो है लोकली बल्चर है, जो यहीं के रहवासी बल्चर है, जिसमें इनका नाम है एक रेड हेड बल्चर जिसको किंग बल्चर बोलते हैं, सबसे बड़ा साइज रहता है इसलिए किंग बोलते हैं, और हेड रेड रहता है। वो देखो करो ये जा रहा है, रोक 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 लो रोक लो रोक लो रोक लो लेपट धरो, बनाओ 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 लेपट जो है अब आराम से चले जाए। वो इसी के लिए कॉल कर रहा है सामाजिक आ रहा है किनारे के लिए। एक काम करियो, हरा हरा पीछे करो कि दूर में देखे के लिए ऐसे चल रहा है इस रोड में दिखेगा। चलो करो बैक, वो इसी के लिए बोल रहा है काफ़ी अच्छा है भाई यहाँ पे यदि क्रॉस करेगा तो। हाँ बस यही हमारे साथ से रोड। रुको रुको रुको, रुक जा। आ गई है सर, आ गए। आ गया है यहाँ पे है, अंदर है। हाँ बहुत आगे ना करो, निकल गए आगे साइड में जा रहा है। बस ठीक है ठीक है, अब ठीक है ठीक है, रुक लो। बस ये आके है, गाड़ी है वो पीछे, गाड़ी है डियर है वो। ये बैठा पेड़ के नीचे। रुक जा, और आगे करो और आगे करो, वो दब गया। चलो आगे 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 आगे, बस अब बनाना। अच्छा ये है, बस ये है, बस रुक लो ढोक बना लो, जूम कर लो। रोड के किनारे कार के उसमें था, रुको उनको। अरे यार वो शिकार करने के उसमें, बस रुक बनाइए वीडियो। अच्छा वो गलत गुड स्पॉटिंग सर, सर ने देख लो जैसे दूरबीन से कुछ बैठा है। ढोलक बना लो, वो खड़ा है वो है आगे। चलो आगे कर, वो जा रहा है। भूरे हाथ ना करो, फिर शांत बैठो। अरे गेस्ट पे कहा शांत बैठो, हाथ नहीं होते 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 जा तू पीड़ित करे। पीछे पीछे कर, पीछे खड़े हो जाओ। ए गाड़ी घुमा फिर क्रॉस कर दो। बस रुक जा, रुक ही रहा खड़ी रहा, रहन दो ना घुमा, रहन दो तैयार हो फिर से। थोड़ा ऊपर कर लो,
वो चला। बाल काटे गए क्या? नहीं। सवा कुंटल से कम नहीं होगा। अभी फिर एक कॉल सुनाई दी थी लेकिन वो बहुत नीचे है, वहाँ तक रास्ता नहीं है जाने का। तो फिलहाल जो सुबह सुबह हम लोग गए थे जहाँ पहली कॉल आई थी, अभी फिर वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन आज सफारी में हमारे ख्याल से सबसे भाग्यशाली हम ही लोग थे जो लेपर्ड भी देखे और हंट करते भी देखा और हंटिंग पोजीशन में देखे लेपर्ड को। तो सबसे भाग्यशाली शायद हमारी ही जिप्सी थी जो इतनी ज़्यादा साइटिंग कर पाए। लेपर्ड की तो 3 बार साइटिंग हुई और अचानक दिख गया। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं पन्ना टाइगर रिजर्व हिनोता गेट के बाहर। टाइगर सफारी कंप्लीट हो गई, बहुत मज़ा आया। 3-3 बार लेपर्ड की साइटिंग हुई। इतना आनंद आया कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो हम ही लोग थे जो इतनी बार आज देखे। तो अब चलते हैं कॉटेज में, फ्रेश फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जैसे जैसे चलते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ संदीप जी का, जिनके रिजॉर्ट में मैं रुका था। संदीप जी कुछ आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं जंगल कॉटेज हिनोता, एक इस गेट पे एक ही रिसॉर्ट है जो कि इको टूरिज्म बोर्ड का है और अभी इसको 1 अक्टूबर से ही प्राइवेट बॉडी पे कन्वर्ट किया है जो कि मैं इसको रन आउट कर रहा हूँ। और काफ़ी एनिमल्स आप अपने रिसॉर्ट, मेरे रिसॉर्ट से ही देख सकते हैं। एलिफेंट है, डियर है, नीलगाय वगैरह है, वाइल्ड बोर है, ये सब आप इनसाइड यहीं बैठे बैठे आप देख सकते हैं। अगर आप हमसे पूछें कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा, तो मैं कहूँगा कि मंडला गेट से ज़्यादा बढ़िया सफारी हिनोता गेट की है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा शांति है और जानवर जो हैं शांत जगहों पर ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ से अभी सफारी अगर आपको जाना हो तो सबसे ज़्यादा साइट सीन जो है इसी गेट से हो पाती है। तो हमारा अपना एक सजेशन है कि आप लोग जब भी पन्ना टाइगर रिजर्व आएँ तो हिनोता गेट से सफारी जरूर करें। सीधे हम लोग प्रयागराज के लिए निकलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो अपना प्यार देने में कमी मत कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा।